जय हिंद जय भारत। सच कभी छिपता नहीं और मकड़ाई एक्सप्रेस 24 कभी रुकता नहीं। मकड़ाई समाचार की ओर से मैं हूं मोहन गुजर और आज हम बात करेंगे कलयुगी पुत्र और कलयुगी भाई की काली करतूत का। इन दोनों ने मिलकर एक बुजुर्ग महिला से उसकी छत छीन ली, उसे बेघर कर दिया। दोस्तों, किसी शायर ने क्या खूब कहा है, मतलब कि इस दुनिया में कौन किसका होता है, धोखा वही देता है जिस पर ज़्यादा भरोसा होता है। दोस्तों, दरअसल हम बात करेंगे इस कलयुग में कलयुगी पुत्र और कलयुगी भाई। एक बुजुर्ग विधवा महिला जिसे धोखे में रखकर इन दोनों ने उसकी जमीन, उसके बुढ़ापे का सहारा उससे छीन लिया। यह पूरा मामला टिमनी विकासखंड के ग्राम भादुगांव का है। भादुगांव की बुजुर्ग महिला जो उम्र के आखिरी पड़ाव पर है, उम्र उसकी 75 साल है और महिला के दो बेटे हैं। बड़े बेटे का नाम कांता प्रसाद गौर और छोटे बेटे का नाम सुनील गौर। सुनील मजबूत है, उसमें ज़्यादा सोचने समझने की क्षमता नहीं है। महिला अपने छोटे बेटे के साथ ग्राम भादुगांव में रहती है। महिला के पास 12 एकड़ जमीन थी, जिसमें महिला ने 4 एकड़ जमीन बहुत पहले अपने बड़े बेटे कांता प्रसाद गौर को दे दी थी। 4 एकड़ जमीन महिला ने अपने खुद के पास रखी और 4 एकड़ जमीन अपने छोटे बेटे के नाम का। पिछले साल आर्थिक तंगी के चलते महिला ने 4 एकड़ जमीन बेच दी। महिला का जो छोटा बेटा है उसके पास 4 एकड़ जमीन है और महिला उसी के साथ रहती है। इस मामले में जो महिला की जो करदर है, महिला की जो देखभाल करता था, वह महिला का भाई दिलीप गौर, जो कि पुरी का रहने वाला है और यह ही पूरी साल समाल और देखभाल करता था। बड़ा बेटा कांता प्रसाद गौर अलग रहता है, उसका पूरा परिवार अलग। पिछले साल दिलीप गौर जो भाई है, वह दुष्कर्म के आरोप में लंबे समय फरार रहा। जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा इसकी फरारी के दौरान इसके ऊपर इनाम भी घोषित किया। उस समय भी मकड़ाई समाचार ने इस पूरे मामले को प्रमुखता से उठाया और शासन प्रशासन का ध्यान आकर्षित करा। मकड़ाई समाचार की खबरों से बौखलाकर इस दिलीप गौर ने मकड़ाई समाचार के जो संपादक है, मतलब मुझे मोहन गुजर को, मानहानि का नोटिस भी भेजा था, जिसका जवाब भी मेरे द्वारा दिया गया। यह दिलीप गौर वही है जिसने अपने सगे बड़े भाई के साथ भी धोखा किया। 25 लाख रुपए का लोन जमीन पर लिया और धोखे में रखकर वह जमीन उसने अपने बड़े भाई के नाम कर दी और लोन की राशि का बकाया भी बड़े भाई के नाम कर दिया। इस पूरे मामले में मकड़ाई समाचार द्वारा लगातार खबरों का प्रकाशन किया गया और आखिर में इस दिलीप गौर को मजबूर कर दिया। दिलीप गौर ने 25 लाख की जगह 30 लाख रुपया ब्याज सहित बैंक में जमा किया है। मकड़ाई समाचार की जीत हुई और यह जो दुष्कर्म का आरोपी है, बड़े भाई के साथ धोखा किया था उसका आरोपी है, इसके खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज की गई है और इस दुष्कर्म के आरोपी दिलीप गौर ने जो मामला न्यायालय में चल रहा था, उस मामले में
जेल जाने से बचने के लिए, सजा से बचने के लिए इसने जो बड़ा भांजा कांता प्रसाद गौर उसके साथ सोची समझी एक साजिश के तहत छोटे भांजे की 4 एकड़ जमीन कांता प्रसाद गौर ने अपनी पत्नी के नाम गौर कलयुग है दोस्तों कि एक माँ और एक पिता जो अपने बेटे को बहुत ही लाड़ और प्यार के साथ पालते हैं, वह माँ 9 महीने अपने पेट में उस बच्चे को रखती अपार पीड़ा सहन करती है और उसे छोटा सा उसे बड़ा करती है और बुढ़ापे में यही औलाद उसे किस प्रकार उसकी संपत्ति को अपने नाम कर लेते हैं उसके जीते जी और उसे पता नहीं होने देते। चंद रुपये के खातिर यह लोग अपने माता पिता को भी दांव पर लगा देते हैं। ऐसे घोर कलयुगी बेटा और भाई की काली करतूत मैं आपके सामने इसलिए रख रहा हूं दोस्तों कि न जाने ऐसे और भी कितने लोग होंगे जो आज भी जब बेटा उन्हें घर से बाहर निकाल देता है तो यह लोग बुढ़ापे में वृद्धाश्रम में जाकर अपने ज़िंदगी के आखिरी जो पल है वह वहाँ पर गुजारते हैं। इस पूरे मामले में बुजुर्ग महिला को अभी कुछ दिन पहले जब जानकारी लगी कि उसके जो छोटा बेटा है जो मतबुद्धि है जो वो समझता नहीं है जानता नहीं है उसे एक दिन जमानत का कहकर जमानत लेना का कहकर उस बेटे को छोटा है सुनील उसको तहसील स्तर पर जिला मुख्यालय पर लाया जाता है और दिलीप गौर और कांता प्रसाद गौर ये दोनों ने मिलकर उसके नाम की जो ज़मीन है उसकी रजिस्ट्री करवा लेते हैं। कुछ दिन बाद जब बुजुर्ग महिला के खेत में ट्रैक्टर लेकर कांता प्रसाद गौर जाता है तब महिला पूछती है कि मेरा खेत है मेरे छोटे बेटे की ज़मीन है इस पर तो ट्रैक्टर लेकर क्यों भरने आया तो बोलता है जब बुढ़िया तू यहाँ से जा यह ज़मीन मेरी है यह देख रजिस्ट्री मेरे पास रखी है। दोस्तों उस बुजुर्ग महिला को कितना दर्द और कितना उसके दिल को धक्का लगा होगा। वह महिला सीधे हरदा कलेक्टर कार्यालय और यहाँ पर उसने पुलिस अधीक्षक और जिलाधीश महोदय को लिखित शिकायत आवेदन दिया और उस रजिस्ट्री को निरस्त करवाने की मांग की। वहीं आरोपी दिलीप गौर और बड़े बेटा जो कांता प्रसाद गौर है इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की बात कही। दोस्तों मकड़ाई समाचार के पास इस पूरे मामले को लेकर पर्याप्त दस्तावेज उपलब्ध है। यह कांता प्रसाद गौर जो है वह पल पल गिरगिट की तरह रंग बदलने वाला व्यक्ति है। यह वही व्यक्ति है जिसने जमीन के लालच के चलते राजीनामा किया और धोखे में रखकर उस मतबुद्धि बालक की 4 एकड़ जमीन अपने नाम करवा दी। पिछले साल यही कांता प्रसाद गौर जिला कलेक्टर में और एसपी कार्यालय में और हर जगह आवेदन देता था कि मेरा छोटा भाई मतबुद्धि है उसको धोखे में रखा और मेरी माँ ने अपनी जो 4 एकड़ जमीन है वह बेच दी। लेकिन माँ ने आर्थिक तंगी के चलते 4 एकड़ जमीन बेची थी लेकिन बड़े भाई ने तो सीधा सीधा अपनी माँ के साथ और अपने छोटे भाई के साथ धोखा किया उसकी मतबुद्धि का फायदा उठाया और 4 एकड़ जमीन भी अपने नाम करवा ली और दुष्कर्म का जो आरोपी है दिलीप गौर उसे बचाया। हालांकि अभी न्यायालय में मामला चल रहा है लेकिन इस पूरे मामले को जनता के सामने और प्रशासन के सामने लाने का
मकड़ाई समाचार ने अपना कर्तव्य निभाया। लाना बहुत जरूरी था क्योंकि ऐसे और भी न जाने कितने लोग हैं जो पीड़ित हैं, जो परेशान है। आज भाई भाई के साथ धोखा कर रहा है, बेटा माँ बाप के साथ धोखा कर रहा है। इस घोर कलयुग में जीते जी आज माता पिता की क्या स्थिति होती है ये हम लोग आए दिन देखते हैं। यहाँ पर धोखा वही देता है जिस पर ज़्यादा भरोसा होता है। और इस बुजुर्ग जो महिला है चंद्रबाई, यह भी शुरुआत में इसी दिलीप गौर जो अपना भाई है इस पर अटूट विश्वास करती थी, लेकिन आखिरी पलों में इसी भाई ने और अपने बेटे ने, मतलब दोनों मामा और भांजों ने मिलकर बुजुर्ग महिला के सर से छत छीन ली और उस मदबुद्धि बालक के नाम जो 4 एकड़ ज़मीन है वह अपने नाम करवा दी। इस पूरे मामले, यह पूरा मामला माननीय जिला कलेक्टर महोदय के संज्ञान में होगा क्योंकि महिला ने शिकायत की, उसको 8 दिन बीत चुके। और मैं आज इस वीडियो के माध्यम से, इस खबर के माध्यम से माननीय जिला कलेक्टर महोदय का और माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय का ध्यान आकर्षित कराना चाहूँगा कि इस पूरे मामले की जांच की जाए। मदबुद्धि जो बालक है और जो महिला है, इस महिला चंद्रबाई उसके साथ रहती थी और बुढ़ापे का एकमात्र सहारा उनके पास वह ज़मीन थी जिस पर वह खेती करते थे और अपने परिवार अपना भरण पोषण करते थे, लेकिन उस ज़मीन को भी बड़े बेटे ने अपने नाम करवा ली धोखे से। इस पूरे मामले में बड़े बेटे पर, कंता प्रसाद गौर पर और दिलीप गौर पर कानूनी कार्रवाई होना चाहिए। वहीं दुष्कर्म का जो आरोपी है दिलीप गौर, इसने पहले अपने बड़े भाई के साथ धोखा किया और अब अपनी बहन के साथ धोखा किया चंद रूपों के लालच में, और जेल जाने के डर से, सजा के डर से इसने 4 एकड़ ज़मीन खुद की नहीं दी। कितना चालवार व्यक्ति है, अगर राजीनामा करना था तो खुद की ज़मीन कर देता, लेकिन खुद की ज़मीन उसने नाम पे नहीं करी। यहाँ भी उसने जो चाल चली मामा सकुनी की तर्ज पर, उसने ऐसी चाल चली कि अपने ही एक भांजे को बेघर कर दिया, बड़े भांजे के नाम पर उसकी 4 एकड़ ज़मीन कर दी। मैं इस वीडियो के माध्यम से मानवाधिकार आयोग सहित जो सामाजिक संगठन है जो लोगों के लिए, उनके हक और अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ते हैं, उनका भी ध्यान आकर्षित कराना चाहूँगा कि इस मामले को वह भी देखे और इस बुजुर्ग महिला का साथ दे। यह बुजुर्ग महिला, इसका नाम चंद्रबाई है और भादु गांव की रहने वाली है, इसने जिला कलेक्टर महोदय को लिखित शिकायत की है। अब हमें इंतज़ार रहेगा माननीय जिलाधीश महोदय का और पुलिस प्रशासन का कि इस पूरे मामले में वह क्या कार्रवाई करते हैं या फिर इस पूरे मामले को ठंडे बस्ते में डाल देते हैं। जय हिंद, जय भारत।